सबसे पहले वो कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद वो परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे। मदन मोहन मंदिर करीब 250 साल पुराना है जिसकी बहुत मान्यता मानी जाती है और ऐसा ये और कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर में जो पुरानी काल के शास्त्रों से संबंधित, चाहे वो महाभारत की बात हो या फिर रामायण की बात हो, उससे जुड़ी कहानियों का एक सम्मिश्रण भी इस मंदिर में मिलता है। तो इस मंदिर में जाएंगे अमित शाह, दर्शन करेंगे और उसके बाद वो परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर में दर्शन करने आएंगे और कूच बिहार का उनका ये पहला दौरा है। क्यों अहम है मदन मोहन मंदिर, हम आपको बताते हैं। करीब 250 साल पुराना ये मंदिर है और एक बिल्कुल जो कूच बिहार के जो राजा थे उनकी शैली में, उनकी जो कला संस्कृति थी उस शैली में बनाया गया ये मंदिर है और राजवंशी समुदाय से जुड़ा हुआ ये मंदिर है। करीब 2.5 करोड़ राजवंशी समुदाय के लोग असम, नॉर्थ बंगाल में रहते हैं और उनकी उनके प्रति ये इस मंदिर के मंदिर में आस्था है और उनको अभी उनके कल्याण से बीजेपी जोड़ती है अपने अभियान को, चुनाव प्रचार अभियान को। नॉर्थ बंगाल में, उत्तर बंगाल में पिछले चुनाव में खासी सफलता बीजेपी को मिली थी। 8 में से 7 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिली थी। इसके अलावा 54 विधानसभा क्षेत्र हैं। बीजेपी की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं वो जीत सके। कूच बिहार राजघराने से जुड़े अन्य देवी देवता थे, उनके मंदिर हैं यहाँ पर और जो कोई भी काम यहाँ पर होता है, शुभ काम होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहीं का दर्शन किया जाता है। बेहद अहम मंदिर है, यहाँ पर आस्था लोगों की है और अब यहीं से गृहमंत्री अमित शाह अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे और यहाँ के समुदाय के लोगों से अपने आप को, अपनी पार्टी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अमित, आपके पास ही आते हुए, क्योंकि अभी आपकी रिपोर्ट देखी, कई खासियत बताते हुए कि किस तरीके से कूच बिहार अहम है, जरा बताइए तो जब मंदिर, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, मंदिर में क्या तैयारियां अमित शाह के दौरे को लेकर और मंदिर की खासियत क्या है, क्यों यहां पर अमित शाह आएंगे, दर्शन करेंगे, क्योंकि हमने उनके पिछले दौरों में लगातार देखा है आते हैं मंदिर के साथ अपने दौरे की शुरुआत करते हैं। देखिए गृहमंत्री अमित शाह थोड़ी देर में मदन मोहन मंदिर पहुंचेंगे और जो कूच बिहार का राजघराना है उसने अब इस मंदिर का निर्माण करवाया था और पूरा जो इलाका है कूच बिहार का इलाका, अगर हम देखें तो ये जो इनका जो एम्बलम है, ये अगर हम देखें तो ये इनका निशान है और इसी को लेकर यहाँ पर जिक्र है और उस मंदिर में लोग जो भी कोई शुभ काम होता है आते हैं, दर्शन करते हैं। जहाँ तक राजवंशी समुदाय का सवाल है, बड़ी तादाद में कूच बिहार में लोग रहते हैं और पिछली बार भी बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान में उस समुदाय के लोगों के उत्थान की बात की थी और अब फिर यहाँ पर इस बार भी उस मंदिर से दर्शन करके यही वो दिखाएंगे कि हम इस समुदाय से जुड़े हैं, उसके कल्याण के लिए, उसके उत्थान के लिए हम काम करेंगे। और कोई भी बड़ा नेता हो, केवल बीजेपी नहीं, कोई भी बड़ा नेता हो, जब वो आता है, अगर कूच बिहार आता है तो मदन मोहन मंदिर जरूर वहाँ पर उनके दर्शन करते हैं और उसकी आस्था भगवान वहाँ के देवी देवता के लिए अपनी आस्था वहाँ पर वो दिखाते हैं। अमित, लौटेंगे आपके पास। गृहमंत्री अमित शाह आज मिशन बंगाल पर हैं और बीजेपी ने दावा किया है कि बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे में उत्तर बंगाल वो पहली बार कूच बिहार के इलाके में आ रहे हैं और क्यों ये दौरा महत्वपूर्ण है, हमारे साथ कूच बिहार के सांसद निशित प्रामाणिक हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, इस सीमावर्ती जिले में गृह मंत्री आ रहे हैं, मकसद क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बंगाल में गृह मंत्री जी की जितनी बार भी जितनी सभाएं हुई है, जितनी बार भी बंगाल की दौरा हुई है गृह मंत्री की दौरा, उतनी बार यहाँ पर भाजपा वरिष्ठ हुआ है, उतनी बार यहाँ पर भाजपा की जो संगठन है वो स्ट्रांग हुआ है और लोगों की विश्वास भाजपा के ऊपर और भी बढ़ता गया है। और 11 तारीख का जो कार्यक्रम है, परिवर्तन यात्रा की जो शुरुआत है, जो प्रारंभ है, वो ये कूच बिहार की ऐतिहासिक मदन मोहन बाड़ी से हो रहा है और मदन मोहन बाड़ी में पूजा करने के बाद
कूचबिहार की ऐतिहासिक रासमेला ग्राउंड से ये जो यात्रा है ये शुरू होने वाला है और इसका शुभारंभ करने के लिए, इसका प्रारंभ करने के लिए माननीय गृहमंत्री जी अमित शाह जी कूचबिहार में पहली बार पधार रही है।